दोस्तों, अगर हमने देखा तो मार्केट ने एक स्लाइडली हाई तो बनाया, लेकिन ये नीचे जाके क्लोज हुआ है। दूसरा कि बैंक निफ्टी है, ये थोड़ा निफ्टी से भी नेगेटिव हुआ और इसने अपने एक ट्रेंड लाइन ये देखे कि डिसिजली ब्रेक किया है। तो इसके बाद कल मार्केट कैसे हो सकता है? कल जो कि इम्पोर्टेंट डे है, जो कि TCS का रिजल्ट है और जो है कि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें मार्केट कैसे रहेगा, कैसे हमको ट्रेड करना है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 11 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कि कल TCS का रिजल्ट है, तो TCS का भी हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, बाद में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में इंट्राडे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज शुरुआत करेंगे TCS से। तो TCS के पहले निफ्टी IT हम लोग देख लेते हैं। तो निफ्टी IT का जो है कि ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि अभी IT के जो रिजल्ट लगने वाले, तो IT का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो IT में बहुत ही अच्छा गिरावट हुआ था और IT जो सेक्टर है यहाँ पे रिकवर कर रहा है। आज IT नेगेटिव हुआ है थोड़ा, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो IT का जो पहला हाई था, यानी इसको हम लोग जैसे कि रेजिस्टेंस कहते हैं, तो लगभग एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास IT आ गया। ओवरऑल देखेंगे तो IT ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो कि परफॉर्मेंस किया था, बीच में नीचे भी गया था और यहाँ पे एक अच्छे गिरावट भी हुआ था जो कि शॉर्ट टर्म में, यहाँ से IT सेक्टर ऊपर आ रहा है। तो IT यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी मोड में है, लेकिन आज नीचे आ गया और अपने एक सप्लाई जोन के ऊपर है, आसपास है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ये लेवल ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे भी आता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हम लोग बोलते हैं वैसा। साथ ही में हम लोग TCS का चार्ट देखेंगे, क्योंकि TCS का रिजल्ट है। तो TCS में क्या हो सकता है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो IT में सबसे बड़ी कंपनीज है उसमें से TCS का ये जो पहला रिजल्ट यहाँ पे जो है कि कल आने वाला है, और वो भी मार्केट आवर्स के बाद आएगा। लेकिन क्या होता है कि पहले उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर TCS में भी देखेंगे तो TCS का भी चार्ट हम लोग देते हैं, तो लगभग जो कि IT का चार्ट है वैसे ही है, यानी कि दिग्गज कंपनी है तो चार्ट भी वैसे रहेगा। तो इसका भी नियर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए कि 4065 और 4022, यानी अगर हम लोग देखते हैं कि लगभग 4000 से 4100 के आसपास अगर हम देखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट क्या है, अगर हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट देखेंगे तो 3779 एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे देखिए कि पहले भी ये लेवल से इससे सपोर्ट लिया था, लेकिन नियर सपोर्ट जो है, क्योंकि ये हम लोग देखेंगे 3890 यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन बड़ा सपोर्ट और बड़ा रेजिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे बड़े कंपनी का रिजल्ट आता है तो ये बड़ा एक्शन होता है, और बड़ा एक्शन होगा तो ये ज्यादा नीचे या ज्यादा ऊपर जा सकता है। ये ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे जा सकता है, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका मैंने ऑप्शन चेन देखा, तो इसमें जो IV है इसमें दिख रहा है कि इसमें अभी तक ये डिस्काउंट नहीं हुआ, यानी कि इसका रिजल्ट डिस्काउंट नहीं हुआ। तो जो रिजल्ट डिस्काउंट नहीं होता है उसका बड़ा मूवमेंट हो सकता है, यानी अगर जो कि रिजल्ट के बाद, यानी कल भी नहीं परसों वो इम्पैक्ट होगा, तो कल भी ये मूवमेंट कर सकता है। तो कल भी मूवमेंट करेगा तो कल का जो लेवल होगा 3890, ये पहला एक सपोर्ट होगा, अगर ये ब्रेक करता तो नीचे 3779 होगा, और अगर रिजल्ट के बाद अगर ये नीचे वाला लेवल ब्रेक करता तो ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव होगा और 3500 के आसपास भी आ सकता है। ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 4065 लेवल ब्रेक करता है, अगर रिजल्ट अच्छा है तो ये ऊपर वाले लेवल भी दे सकता है, 4200 वगैरह जो लेवल से यहाँ तक भी जा सकता है। बट जो कि कल का और परसों का दायरा ये रहेगा और लेवल भी ये रहेंगे। तो TCS का अगर आपको फंडामेंटल से अच्छा है कि प्राइस का जो हम लोग स्टडी करेंगे और हम लोग देखोगे भी कि रिजल्ट के बाद ये अपने लेवल वर्क करते कि नहीं करते, मोस्ट ऑफ द अपने जो लेवल होते बहुत ही अच्छी तरह वर्क करते। तो यहाँ पे मैंने TCS का और IT का भी हमने एनालिसिस किया। हम लोग अभी देखते हैं कि निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन देखिए कि अपने लेवल कैसे वर्क करते, जो मैं आपको लेवल के बारे में बताता हूँ ऑलवेज। तो मैंने कहा कि निफ्टी का ट्रेंड ओवरऑल अप है, लेकिन जब भी सपोर्ट पे आता है तो एक सपोर्ट ले सकता है और ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो देखिए कि निफ्टी आज इंट्राडे में एक सपोर्ट से रिकवर हुआ। तो निफ्टी कैसे होता है कि निफ्टी 50 कंपनी का जो है कि इंडेक्स है, तो एक सेक्टर इंडेक्स नहीं है, ओके, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, तो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी। तो
इसलिए निफ्टी का जो चार्ट है ये टेक्निकली बहुत ही साउंड चलता है। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अप है, फिर भी इसने एक सपोर्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कि कल का है। इसमें अभी इसका रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा, क्योंकि जो निफ्टी का कल एक्सपायरी है और वो भी वीकली एक्सपायरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ने जो नया हाई बनाया था वो नया हाई क्या था। तो यहाँ पे मैं कर्सर लगाता हूँ, तो आज का जो हाई था वो था 24,461, और कल का जो हम लोग हाई देखते हैं 24,440 थी, तो इससे हाई मारा था नया हाई। तो जो ये नया हाई जो है इसका अभी नया रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये जो लेवल है यहाँ तक आ रहा है, तो लगभग ये 24,463 है और 500 है। हमें ये कहा था कि निफ्टी का क्या है रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट क्या है 24,172, यानी 24,200 इसका एक सपोर्ट है। अभी यही लेवल ऑप्शन चेन के ऊपर बने कि नहीं बने ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जब भी जो भी एक्सपायरी होता है तो मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ। हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं 11 जून के लिए, जुलाई के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट साइड में सपोर्ट। हम लोग एट द मनी के पास जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी है 24,300, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस। अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे 3,82,000 जो है कि कम्युनिटी ओपनर्स है, और चेंज इन ओपन प्राइस बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे 1,69,000 ज्यादा है, और ये जो लेवल है 24,500 जो कि हमको चार्ट पे भी दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही ऊपर है। नीचे अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2,40,986 ये जो एक कम्युनिटी ओपन प्राइस, चेंज इन ओपन प्राइस 31,000 है, लेकिन कंपेरेटिवली हम लोग देखेंगे तो ये ज्यादा ही है और ये लेवल नजदीक भी है। तो हम लोग ये थोड़ा सा नजदीक वाला लेवल लेते हैं जहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट है, तो 24,200 ये निफ्टी का सपोर्ट है और 24,500 ये रेजिस्टेंस है, ये आपको चार्ट में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो जैसे कि ये जो पुट है और जैसे कि ये जो कॉल है, तो यहाँ पे तो ये दोनों के रेंज के अंदर अगर मार्केट क्लोज होता है तो ये कॉल और पुट जीरो हो जाएंगे। तो अगर ये आप सेल कर दो तो इसको शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे या ऊपर तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल सकता है। अकॉर्डिंगली आपके रिस्क हैबिटेट, आपको चाहिए वैसे स्ट्रैटेजी कर सकते हो और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमने निफ्टी के ऊपर भी देखा कि ऑप्शन चेन में भी सेम लेवल बन रहे, हम लोग देखेंगे इंट्राडे में निफ्टी में ट्रेड करना तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ मॉर्निंग में देखा कि ओपन और हाई सेम था, तो ये नीचे आने का चांसेस एकदम क्लियर था। लेकिन अगर आप देखो 5 मिनट में भी जो मैंने लेवल आपको दिया था 24,172, यहाँ पे 5 मिनट भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लिए क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक्शन में, तो यही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस था। तो कल भी यही लेवल के नीचे जाता तो ही हम लोग सेल करेंगे, और बाइंग के लिए हमको कल देखना है, तो बाइंग के लिए थोड़ा सा मैं नजदीक वाला लेवल लूंगा। तो आज के जो कैंडल का हाई बना है वो है 24,337 के ऊपर, अगर जाता तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो देखिए कि अपने लेवल कैसे वर्क होते हैं प्रॉपरली, इसलिए मैंने जो आपको टीसीएस में है कोई भी स्टॉक में बोलता हूँ तो आप लेवल देख लीजिए, लेवल वर्क होते हैं तो वहां पर ट्रेड करना है, नहीं तो जस्ट आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव भी है, और अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे कि एकदम बड़ा ऐसा कोई कैंडल क्लोज नहीं किया था, लेकिन आज का जो कैंडल क्लोज किया है थोड़ा सा नेगेटिव है। तो वहां पे निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे भी आया तो ये पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, बट हमको बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिविटी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का नजदीक वाला अभी जो सपोर्ट है जो मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 51,955, 51,955 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ज्यादा पैनिक होगा। बैंक निफ्टी को जैसे कि अभी यहाँ पे रिवर्सल जाना है या ऊपर जाना है, तो मैंने आपको लेवल कहा था 52,754, ये जो लेवल है इसके ऊपर जाता है तो ही ये पॉजिटिव होगा। तो बैंक निफ्टी बहुत ही डिसीजिव लेवल पे है और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी निफ्टी तो पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी को नेगेटिव ना कर दे। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है हम लोग देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत ही यहाँ पे नेगेटिव था, एक बार ट्राई किया फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। तो बैंक निफ्टी में अगर हमको कल ट्रेड करना है तो यहाँ पे मुझे नए लेवल्स निकालने पड़ेंगे, तो थोड़ा हम लोग इंट्राडे के नए लेवल यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये लेवल था जहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो ये 52,243 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाय करेंगे। तो
और सेलिंग के लिए, तो वो आज होगा आज का ही लो, तो वो लेवल जो रहेगा वो रहेगा 52073 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। हम लोग फिर निफ्टी देखते हैं यहाँ पे, तो फिर निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव है, और अगर हम लोग देखेंगे तो फिर निफ्टी अपने रेंज में चल रहा है, ऊपर 23758 है और नीचे जो है कि 23498, तो ये रेंज में ही चल रहा है, तो ये ज़्यादा निगेटिव यहाँ पे नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन आइदर साइड नीचे या ऊपर ब्रेक होता है तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लिख सकते हो। इसमें फिर निफ्टी में इंट्राडे करना है तो कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। तो फिर निफ्टी भी देखें कि जो अपना कल का जो सपोर्ट लिया था वही लेवल से फिर से प्रॉपर सपोर्ट लेके गया है, और अभी कल के लिए हमको बाय करना है तो बाय करेंगे 23641 के ऊपर और सेल करेंगे 23586 के नीचे, हम लोग इसको सेल करेंगे। दोस्तों कल हमने दो स्टॉक देखे थे, तो उसमें था M&M था, तो आप बोलोगे सर हमको ये बाय को दिया लेकिन इतना नीचे कैसे गिर गया, इसने अपने जो प्राइस है वो कम कर दिए जो कि जिसके एक्सयू के ऊपर, तो उसे 2 लाख प्राइस कम होता है पर यूनिट, तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाय करो 2940 के ऊपर, तो वो लेवल आया नहीं, तो आप लेवल पे ध्यान दे दो, कल का मार्केट या स्टॉक हमारे हाथ पे नहीं है लेकिन लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो लेवल ब्रेक होता तो हमको ऊपर वाला लेवल मिल जाता तो कोई भी बात नहीं। दूसरा हमने ITC भी बाय को कहा था, तो क्या ये लेवल ब्रेक हुआ या हमारा टॉप लॉस होता तो देखते हैं 5 मिनट में, देखिए कि ITC जैसे ओपन हुआ तो इसके ऊपर गए नहीं, जस्ट ओपन होने के बाद एक बार ऊपर जाके नीचे आया, यानी 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं हुआ तो हमको ट्रेड लेना नहीं, तो हमने दोनों में ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए। अच्छा है कि टॉप लॉस होने से अच्छा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि मार्केट निगेटिव था और हमारे कॉल बाय के थे, तो कोई बात नहीं है, जब भी आपको प्रॉफिट होना है तो एक्टिवेट भी हो जाएगा। कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखते हैं, उसमें से पहला स्टॉक है एशियन पेंट। तो यहाँ पे मैं एशियन पेंट क्यों ये कर रहा हूँ, तो देखिए एशियन पेंट मोस्टली क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर चलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर प्राइस रेट आता है तो हम लोग ही बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए कि इसमें बहुत सारा बॉटम बन गया है, और हम लोग देखेंगे तो जैसे कि एडवर्ट हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे देख रहा है, और उसका ब्रेकआउट होगा 3017 के ऊपर, अगर वो ब्रेकआउट होता तो आपको इंट्राडे टारगेट 3109 का मिल सकता है, तो कल के लिए आप देख सकते हो ये इसका हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होता है, ये बॉटम आउट होता है तो हमको ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हो गया पावर ग्रिड, तो देखिए कि जब से पावर ग्रिड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बजट में भी इसको कुछ अच्छा मिलना है इसलिए ये भाग भी रहा है। मैं अभी क्यों कवर कर रहा हूँ, तो अगर हम लोग पीछे देखेंगे तो कि ये ऑल टाइम हाई है और ये ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है, आज हाई भी लगभग उसके पास बनाया था, अगर ये 348 के ऊपर जाता है तो इसमें आप बाय कर सकते हो, ऑल टाइम हाई है तो हम लोग क्या करेंगे 1% का टारगेट इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर अपने ट्रेड कीजिए, और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।